सो हेलो एवरी वन, आई एम गंधर्वास। वेलकम बैक टू माई चैनल रैंकर्स BSEB। तो मैं इस चैनल पे जेई मेन्स के जितने भी हैं कॉलेज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा वन बाय वन करके। और आज मैं बताने वाला हूँ रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस उसके बाद फिर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं बताऊंगा। और रैंक यदि आप अपना चेक करते हो, चेक करने के लिए एक मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ आप परसेंटाइल यदि देते हो अपना आपका वो एक्यूरेट रैंक बता देगा। तो यदि आपको कोई चीज़ पे वीडियो चाहिए, कोई कॉलेज पे NIT कितने मार्क्स तक NIT मिलेगा, कितने मार्क्स तक IIIT मिलेगा, कितने मार्क्स तक GFTI मिलेगा, तो ये सारे वीडियो यदि कोई भी कॉलेज का यदि वीडियो आपको चाहिए तो लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, वहाँ मैं उस पर ज़रूर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ रैंक वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स। तो कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल होते हैं, और परसेंट एक वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके अपना परसेंटाइल यदि उस पर देते हो तो आपका कितना है रैंक वह बता देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि ये मैं जो है ये डाटा कहाँ से लिया हूँ, तो ये डाटा मैं 2 से 3 साल पुराने स्टूडेंट से पूछा हूँ जो कि काउंसलिंग करवाते भी हैं और जो कि अपने अच्छे अच्छे कॉलेज में गए हैं, उस काउंसलिंग करवाए भी हैं। उसके बाद मैं क्योरा से लिया हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज दुनिया से लिया हूँ, मतलब अच्छे अच्छे वेबसाइट से मैं इस डाटा को लिया हूँ। और इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैं मतलब रैंक का बारे में नहीं बताया था। इस वीडियो में मैं रैंक के बारे में भी बताऊँगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 60 मार्क्स यदि है, 60, 61, 62 ऐसे यदि मार्क्स है, तो आपका जो परसेंटाइल वो बनता है वो 80% बनता है। 60 मार्क्स में 80% बनता है, मतलब कि उसके बाद फिर जैसे कि 85 आपका हो, 85 प्लस हो, तो आपका जो परसेंटाइल बनता है 91.5% आपका बनता है। उसके बाद देखिए यदि आपका 90 प्लस मार्क्स आता है तो आपका वही 92% बनता है। उसके बाद यदि आपका 95 मार्क्स आता है जितने भी मैं बोल रहा हूँ वो प्लस मान के चलिए, मैं मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ, 0.4, 0.3, मतलब डाटा हल्का फुल्का कम भी हो सकता है, इतना अप्रोक्स मैं बताता हूँ जो कि पूरा NTA जो जारी करेगी उसमें आपका फाइनल हो जाएगा, मतलब 0.2 उतना मायने नहीं रखता है, वो आपका हो जाएगा। जैसे कि 95 प्लस यदि लाते हो मार्क्स तो आपका 93% बनता है, 93% बनता है। ये परसेंटाइल देके अपना रैंक चेक कर सकते हो, वो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परसेंटाइल देके रैंक चेक कर सकते हो। उसके बाद यदि बात करें किया जाए 95 प्लस में 93% है, उसके बाद देखिए 100 यदि मार्क्स लाते हो तो आपका 93.5% होता है। अच्छा, उसके बाद 115 मतलब 115 यदि मार्क्स लगते हो तो आपका 95% बनता है। तो ये मैं अपना एक प्रोक्स में बता रहा हूँ, वही 0.1, 0.2 का इधर इधर होगा। उसके बाद यदि आप 125 to 130 मार्क्स लाते हो तो आपका 96% होगा। यदि 135 to 145 मार्क्स लाते हो तो आपका 97% होगा। 155 to 160 मार्क्स लाते हो तो आपका 98% आएगा। उसके बाद यदि 175 to 180 मार्क्स लाते हो 98.5% आएगा। यदि आप 185 to 200 मार्क्स लाते हो तो आपका 99% आएगा। यदि आप 215 मतलब 215 से 225 मार्क्स लाते हो तो आपका 99.5 मार्क्स आएगा। तो ये अच्छे अच्छे वेबसाइट से मैं डाटा लिया हूँ। और यदि कोई चीज़ पे आपका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बना दूंगा। और एक मेरी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप परसेंटाइल देके मार्क्स परसेंटाइल देके अपना रैंक चेक कर सकते हो। यह मैं परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स बता दिया हूँ। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।